दोस्तों, आप सबने हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक वीडियो देखकर काफी परेशान हो रहे हैं कि हजरत के साथ कहीं जुल्म तो नहीं हुआ है, कहीं ज्यादती तो नहीं हुई है, जिसके वजह से हजरत घुटने पर हाथ रखकर चल रहे हैं। तो दोस्तों, आप सब हजरत के वकील से सुनिए और हकीकत को दोस्तों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद इदरीस सदा साहब जुड़ रहे हैं। वो हजरत सलमान अजहरी साहब के वकील हैं मुड़ासा कोर्ट में, जिन्होंने हजरत को रिप्रेजेंट किया है। इदरीस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बोलिए। इदरीस भाई, पहले तो ये बताइए कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोगों को इंतजार है कि भाई हजरत इतने थके हुए ऐसा लिम्बिंग क्यों वॉक कर रहे हैं, क्या हजरत के साथ जो है गलत व्यवहार हुआ है या उनको टॉर्चर दिया गया, एक बहुत सारा एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि पहले आप उसके बारे में बताए। जी सर, बात ऐसी है कि हजरत के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई, उसके बाद जो मोड़ासा पुलिस है वो उनको जूनागढ़ लेने के लिए गई थी और जूनागढ़ से ट्रांसपोर्ट वारंट के आधार पर उनको 11 तारीख सुबह यानी कि 10-12 घंटे का रन करके वो लोग तुरंत लेके आए यहाँ पे गुजरात मोड़ासा, यानी जूनागढ़ से ट्रांसपोर्ट वारंट के जरिए मोड़ासा लाए और मोड़ासा 5 बजे सुबह आए और 5 बजे आने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया और उनको 1 बजे कोर्ट में लेके आए न्यायालय में। यानी कि जो 10-12 घंटा का जो सफर था उसके अंदर हजरत थोड़े थके हुए थे और साथ में उन्होंने रोजा भी रखा था। हाँ, और रोजा भी रखा हुआ था और इसमें मैंने उनको पूछा क्या की तबियत कैसी है, कहने कि मेरी तबियत ठीक है मगर ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से थोड़ा मेरे तो बैक पेन पहले से ही है। वो वीडियो में बता रहे लिम्बिंग, वो मतलब थोड़ा सा वो करके चल रहे हैं, उनके चेहरे में भी वो लग रहा है। हाँ, यानी कि वो मुसाफरी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उनकी थकान भी थी और उनको थोड़ा बहुत बैक पेन था और उनके उन्होंने रोजा भी रखा हुआ था। मैंने पूछा उनको कि आपने खाना वाना खाया, तो कहने मेरा रोजा हुआ है। चलो ठीक है। और SSP ने भी बोला उनको कि भाई खाना उनको खाना का बंदोबस्त किया था मगर हजरत ने रोजा रखा था, इसके लिए खाना बना सब उन्होंने मना किया है। और हजरत की कोई बदसूली की मैंने उनको पर्सनली पूछा, न्यायालय में पेश करने से पहले पूछा जाता है और जैसा भी पूछते हैं हाँ, और मैंने भी उनको पहले पूछा कि आपके साथ कोई बदतमीजी की है, किसी ने कोई गाली गलत से कहे, नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कैसा व्यवहार हुआ है लोग जानना चाहते हैं। लोगों ने सोचा कि जो है मुंबई से जब ATS लेके गई थी यहाँ से गुजरात पुलिस, तो यहाँ पर मुंबई पे जो चाहने वाले थे उनमें एक तरह से एक नाराजगी थी कि भाई ऐसा लेके गए, क्योंकि यहाँ के वकील लोग बोल रहे थे ऐसा ले जा नहीं सकते और जो भी हो वो लेके चले गए, लेके जाने में कामयाब है। उसके बाद से लोगों को फिक्र है कि हजरत की वहां पर गुजरात पुलिस हजरत से बदतमीजी करती होगी, क्या करती होगी, तो क्या लगता है आपको हजरत को देखते हैं? नहीं 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 नहीं, मैंने पर्सनली कल मैं उनके साथ ही था, पूरा 5-6 घंटे उनके साथ था और मैंने उनके बहुत अच्छी तरीके से बात की और उनको मैंने पर्सनली भी पूछा जब पुलिस नहीं थी, उसके बाद भी मैंने पूछा कि आपके साथ कोई बदसलूकी की है, तो उन्होंने बताया कि मुझे पुलिस गुजरात की यानी कि मोड़ासे की पुलिस ने उनको तू तक की बात नहीं, सिर्फ आप करके बात किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। और ये जो 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 जैसे बताया कि गाड़ी से उतर रहे हैं और थोड़ा वॉक कर रहे हैं, मतलब थोड़ा लिम्पिंग कर रहे हैं, तो वो उसका भी उन्होंने बताया कि कमर, क्या बताया उन्होंने? बैक पेन था यानी बैक पेन की वजह से थोड़ा थकान थी, रोजा था, इस वजह से ये है पक्का ना सर? ये आपको क्या लगा है? बैक पेन नहीं, मैंने और उन्होंने पर्सनली बताया कि उनको बैक पेन की वजह से और रिमांड के पहले पेश करने की वजह से भी उनको हॉस्पिटल में चेकअप करने के लिए गए और उनको गोली भी दिया था, टेबलेट दिया था, मगर रोजा होने की वजह से वो गोली ले नहीं सकते थे। उन्होंने लिया नहीं। चलो, कमिंग बैक टू, ये तो आपने क्लियर कर दिया।